गाइस वेलकम है आपका। आज का अपना टॉपिक है नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिक मतलब संगीत वाद्य, इंस्ट्रूमेंट मतलब यंत्र। अब संगीत के अंदर कौन कौन से वाद्य यंत्र काम आते हैं, कौन कौन से तरीकों से अपन अलग अलग संगीत की ध्वनि निकाल सकते हैं, उन सभी वाद्य यंत्रों के नाम आपके सामने एक ही ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए हैं। अब इनको अल्फाबेट वाइज पढ़ते हैं और इनका सही तरीके से इंग्लिश के अंदर प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, उनका हिंदी में क्या मीनिंग होता है वो अपना आज देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है बेल। बेल मींस घंटी। बेल मींस घंटी। बिगुल। बिगुल मींस शहनाई। बैग पाइप मशक बाजा। बंजो बेंजी। बैसन। बैसन का मतलब होता है अलगोजा। क्या होता है अलगोजा। क्लैरियन। क्लैरियन का मतलब होता है बांसुरी। क्या होती है बांसुरी। क्लैरिनेट। क्लैरिनेट का मतलब होता है शहनाई, और शहनाई वादक जो ये क्लैरिनेट है उसे शहनाई कहते हैं। सिंबल। सिंबल का मतलब होता है झांझ। ये वाद्य यंत्रों के नाम है, थोड़े अटपटे हैं लेकिन होते हैं। तो अगला अपना है सिंबल। सिंबल में झांझ। कॉन्च। कॉन्च का मतलब होता है संख। मंदिरों में अपन संख बजाते हैं शांति के लिए, उसे कॉन्च कहते हैं। ड्रम। ड्रम इस ढोलक। ड्रमेट। ड्रमेट का मतलब होता है ढुक ढुकी। क्या होती है ढुक ढुकी। फ्लूट। फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी। गिटार। जी यू आई टी ई आर। गिटार मींस गिटार। गोंग। गोंग मींस घंटा। गोल्ड फ्लूट मतलब बीन, जैसे जो सपेरा बीन हो जाता है उसे कहते हैं। जी ओ यू आर टी गोल्ड। एफ एल टी ई गोल्ड। फ्लूट मींस बीन। हारमोनियम मींस हारमोनियम जो बहुत बड़ा होता है इसे बजाते हैं। हार्प। हार्प मींस वीणा। हॉर्न मींस सिंगा। हॉट बॉय। हॉट बॉय का मतलब सहनाई, तो यहाँ पर आपने देखा था क्लैरिनेट का मतलब होता है सहनाई। जेवस हार क्लियर मतलब मर्चन। कैटल ड्रम नगाड़ा। मैंडोलिन। मैंडोलिन एक वाद्य यंत्र होता है। माउथ आर्गन। माउथ आर्गन मतलब वीन बाजा। क्या होता है वीन बाजा। पियानो मींस पियानो। सरोद। सरोद मींस सरोद। सितार मींस सितार। टैबोर। टैबोर का मतलब होता है तबला। क्या होता है तबला। टॉम टॉम मींस ढोलक। टैम्बोराइन। टैम्बोराइन का मतलब होता है डफली। क्या होती है डफली। ट्रोम्बोन। ट्रोम्बोन का मतलब दुल्ही। वियोलिन मींस वीणा और विसल मींस सीटी। इस प्रकार से अपन अपन ने जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उन सभी के नाम यहाँ पर अपन ने देख लिए हैं। और अगर गाइस आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छा लगा है पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ फैमिली मेंबर्स के साथ छोटे भाई बहन के साथ जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको शेयर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस प्रकार से अपने ये देख लिए। आगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं उन पर आपको वीडियो मिलते रहेंगे और ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल। थैंक यू। जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।